काली नागिन के जैसी काली सागर देती है लाली। ओ, मन मेरा बोले तू हाले हाले जुल्फे तेरी काली काली सागर। तो गाइज अभी जो अपने स्टैट इनपुट में स्टेटस वीडियो देखा, उस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग को एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस होगा, तो आपको नीचे यहाँ प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ आपको मेरा बीट मार्क प्रोजेक्ट, लिरिक्स प्रोजेक्ट और इफेक्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको मेरा तीन प्रोजेक्ट दिख रहा होगा। तो ये तीन प्रोजेक्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप तीनों को एक एक करके अपने एलाइट मोशन ऐप में इंपोर्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता है तो इंपोर्ट कैसे करते हैं वो वाला वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो देख करके इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट कर लेने के बाद ये बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ पर छिड़कानी करना नहीं है, स्टार्टिंग आ जाना है। ग्रीन कलर का प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करके आप अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस फोल्डर में आपका इमेज है उस फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट कर लेने को उस इमेज को सिलेक्ट करिएगा जिस पर आपको स्टेटस वीडियो बनाना है। इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इमेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद ऊपर कोने में थ्री डॉट बिंदु दिख रहा है, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ फिल कंपोजन एरिया वाला एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद वीडियो को लास्ट में आ जाइएगा। सिंपल से लास्ट में आने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को लास्ट तक कर दीजिएगा। लास्ट तक करने के बाद स्क्रीन पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको फोटो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको इमेज को। तो इमेज को लास्ट तक कर देने के बाद ये इमेज के साइड में देखिए थ्री लकी दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके रखना है और ये फोटो को पूरा नीचे लेकर आ जाना है। नीचे लेकर आने के बाद देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे जो है आपको दिखाई देगा। तो आपको फर्स्ट करना क्या है, लास्ट में ही रहिएगा और यहाँ पर देखिए ऊपर वाले लेयर पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको लास्ट तक कर देना है। देखिए ये लास्ट तक हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब इसके बाद करना क्या है आपको, यहाँ पे देखिए कुछ लेयर ऑफ है, अब यहाँ से आपको जो है दो लेयर को ऑन कर लेना है। ये देखिए ये वाला लेयर ये ग्रुप वन वाला लेयर को ऑन नहीं करना है अभी, अभी उसको बंद रखना है। इसके बाद इतना करने के बाद यहाँ से बैक हो जाइएगा। बैक हो जाने के बाद लेयर्स वाले प्रोजेक्ट को ओपन करिएगा। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा लिरिक्स यहाँ पे ऐड किया हुआ दिखाई देगा, तो आपको यहाँ छोटा सा प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑल लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से उसी छोटे से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, कॉपी 12 लेयर पर क्लिक करना है, क्रॉस पर क्लिक करके एरो पर क्लिक करके बैक हो जाना है। बैक होने के बाद इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है। इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे थ्री लेयर दिख रहा होगा, तो ये बीच वाला जो लेयर है इस पर क्लिक करना है। देखिए ये बीच वाला, ये एरो पर, ये बीच वाले पर क्लिक करना है। इफेक्ट वाले पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से बैक हो जाना है। फिर से बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने को फर्स्ट आपको जो अपनी स्टार्टिंग में फोटो एड किया था उस फोटो पर क्लिक करना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट पैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब पेस्ट पैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेकेंड बीट में आ जाना है। यहाँ पर जो देखिए सेकेंड बीट में 0:0:24 में आ जाना है। आने के बाद यहाँ छोटा सा प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, पेस्ट 12 लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब पेस्ट 12 लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका लिरिक्स पेस्ट हो जाएगा। अब लिरिक्स पेस्ट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो लेयर ऑफ है ग्रुप वन लेयर जो है इसके साइड में थ्री लकी दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके रखना है और इसको जो है पूरा ऊपर लेके चल जाना है। पूरा ऊपर लेके चल जाने के बाद अब आपको करना क्या है, फिर इधर नीचे आना है और यहाँ पे जो है ग्रुप थ्री लेयर दिख रहा होगा, इसके साइड में भी थ्री लकी दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके रखना है और इसको भी पूरा ऊपर लेकर जाना है। ये ग्रुप वन के ऊपर रख देना है और ये ग्रुप वन वाला जो लेयर है इस ये ऑफ है अभी भी, तो इसको अभी ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का जो है आपका स्टेटस यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। अब
रेडी हो जाने को इसको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर कोने में एक एरो है, उस पर क्लिक करेंगे। वीडियो लिखा हुआ साइड में एरो, उस पर क्लिक करेंगे। एक पोर्शन में आप लोगों का जितना फोन का क्वालिटी सपोर्ट करता है उतना सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ अगर लो रहता है तो इसको फुल करेंगे, और एक क्वालिटी लाइन को भी हाई करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। हम लोग का वीडियो गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो एडिटिंग में कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।